हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैट मीन कि ग्रामर से आप लैंग्वेज जनरेट करते हैं और पर्टिकुलर लैंग्वेज की आप नीति डिजाइन करते हैं। अगर हम जनरल बोलचाल की भाषा में चाहे हिंदी का यूज करते हैं या इंग्लिश का यूज करते हैं, ठीक है, तो जो लैंग्वेज होती है दैट इज द सेट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस के फॉर्म में होती है और सेंटेंस वर्ड के फॉर्म में होते हैं। और वर्ड इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। दैट अगर हम बात करें ग्रामर की जनरल टर्म में, तो जो भी आपके अल्फाबेट है इनसे क्या वर्ड फॉर्म होते हैं, वर्ड से सेंटेंस फॉर्म होते हैं और सेट ऑफ द सेंटेंस होते हैं, दैट इज फॉर्म लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए ग्रामर का यूज किया। लैंग्वेज इज डिफाइंड बाई ग्रामर। क्लियर? और फिर पर्टिकुलर लैंग्वेज से आप कोई भी फाइनाइट स्टेट मशीन ड्रा करते हैं या मशीन बनाते हैं। इस प्रकार से ग्रामर की एक पूरी साइकिल चलती है कि ग्रामर इस प्रकार से, अगर हम ग्रामर कंपटीशन में बात करते हैं तो फोर टर्म्स होते हैं, ध्यान दीजिए, वी एन सिग्मा पी। वी एन इज द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल या वेरिएबल कह सकते हैं। सिग्मा इज द सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल नॉट वेरिएबल। पी फॉर प्रोडक्शन और एस फॉर स्टार्ट सिंबल, जहां से आप कोई भी लैंग्वेज डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट कोई अगर पैलिंड्रोम है, अगर पैलिंड्रोम की बात करते हैं, दैट इज रिवर्स और स्टार्टिंग। स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जीरो, अगर जीरो वन फॉर्म में कंसिडर करें, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन वन, वन जीरो वन, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, इक्वल होगी। इस चीज को कैसे डिराइव करती है ग्रामर, उस चीज के बारे में डिस्क्राइब किया। किसी भी लैंग्वेज को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ अ ग्रामर आप लैंग्वेज को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो। अगर हम इसकी पर्सनल बात करें, लैंग्वेज ऑफ जी की, दैट मीन जितनी भी आप स्ट्रिंग होंगी वो किस पर डिपेंड करेंगी। कोई सपोज दैट कोई भी वर्ड है आपके पास या सेट ऑफ स्ट्रिंग है, दैट इज डब्ल्यू बिलोंग्स टू, जितने भी इनपुट सिंबल्स होंगे उनके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। और जो आपके प्रोडक्शन होंगे वो भी क्या होंगे, प्रोडक्शन की बात करें, दैट इज डिपेंड अपॉन ऑल द सिंबल्स के कॉम्बिनेशन पर, वर्ड जितने भी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल होंगे। वी एन दैट इज द पी प्रोडक्शन जो होंगे, वी एन यूनियन सिग्मा का स्टार के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वी एन सिग्मा फोर टपल्स में डिफाइन किया गया है। तो VN इज द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, सिंबल, और ये आपकी किसी भी जब हम डिफाइन करते हैं तो ये जो है कैपिटल लेटर्स में कंसिडर होते हैं, कैपिटल लेटर्स में A, S, B, आर, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सिग्मा इज द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, सेट ऑफ टर्मिनल। और रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। यस, पी इज द प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन में जो भी हम रूल्स और रिलेशन फॉलो करेंगे तो ग्रामर को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये प्रोडक्शन फॉर्म किस फॉर्म में होते हैं, जैसे एस टेंस टू ए बी या ए ए कंसीडर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी टाइप ए टेंस टू आपका सपोज दैट दिया गया है ए बी, ए टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों हो सकते हैं, एम्प्टी एम्प्टी, बी ए टेंस टू खुद भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होंगे ध्यान दीजिएगा दीज आर द नॉन टर्मिनल, और राइट हैंड साइड में कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों कंसीडर कर सकते हैं। और एस इज द स्टार्ट, स्टार्ट सिंबल दैट इज एस बिलोंग टू वी एन, ये किसी भी नॉन टर्मिनल सिंबल से आप वैल्यू को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं और फर्दर इसकी डिटेल में जाएंगे कि इस प्रकार से ग्रामर वर्क करती है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई हम इस प्रकार से कंसीडर करें, सपोज दैट ई टेंस टू E प्लस ई, ये प्रोडक्शन लिखे हुए हैं ई ई इंटू ई, ध्यान दीजिएगा ई इंटू ई और आपका ए, ए जो है आपका टर्मिनल सिंबल है और कैपिटल ई जो है वो आपके नॉन टर्मिनल सिंबल, ठीक है। और एक एग्जांपल सपोज दिया गया है ए प्लस ए एस्ट्रिक ए, इसको डिराइव करना है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई टेंस टू ई कंसीडर करेंगे, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। और ई को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ए प्लस ए और ए ई का जो प्रोडक्शन एक दिया गया है दैट इज ए, तो ई प्लस ई इट मीन्स ई की जगह हमने क्या कौन सा प्रोडक्शन लिया है, E प्लस ई का प्रोडक्ट लिया है और ये आपको साइड में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। E प्लस ई को क्या लिख सकते हैं, E को A ले सकते हैं प्लस E, तो E को हमने क्या कंसीडर किया, A कंसीडर किया, हमें क्या लाना है A प्लस A स्ट्रिक्ट A, तो A प्लस अब इस E की प्रोडक्शन हम ये यूज करते हैं, तो E इंटू E, और यहां पर प्रोडक्शन मेंशन करेंगे कौन सा प्रोडक्शन आप यूज कर रहे हैं, फिर A प्लस A एस्ट्रिक E, हमने A यूज किया है, ध्यान दीजिए A प्लस A एस्ट्रिक A और E टेंस टू A का यूज किया है। अब अगर हम ध्यान से देखें E tends to E दिया गया है, तो इस चीज को हमने क्या किया है, डिराइव कर लिया है, क्लियर। तो इस प्रकार से जो है हम पर्टिकुलर प्रोडक्शन से प्रॉपर एक कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अभी मैंने लैंग्वेज के बारे में बताया था, कोई भी लैंग्वेज डिराइव करना है तो विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन डिराइव कर सकते हैं, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको अगर पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड से हमने डेरिवेशन किया है, तो अगर डेरिवेशन की बात करें तो टू टाइप के हम डिफाइन कर सकते हैं, लेफ्ट डेरिवेशन एंड राइट डेरिवेशन। तो यहां पर जो अगर हम मेंशन करें, ध्यान दीजिएगा एल ई एफ टी लेफ्ट एंड राइट डेरिवेशन डेरिवेशन, अब इसी को हम लेफ्ट से ही कंसीडर करेंगे, अब राइट से अगर इसको हमने कंसीडर करना है, ध्यान दीजिएगा, और लेफ्ट अगर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट भी हम डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं, इस टाइप से ध्यान दीजिएगा। अगर यही सीक्वेंस लिखा हुआ है तो ई टेंस टू ई कंसीडर किए और ई की जगह हमने क्या लिया है ई एस्ट्रिक ई कंसीडर करें,
पहले यहां पर क्या दिया था, ई प्लस ई कंसिडर किया था, अब यहां पर ई एच थ्री कंसिडर कर रहे हैं और लेफ्ट डेरिवेशन ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। दैट मीन इस ए को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, ई को ई प्लस ई एच थ्री ई, और यहां पर हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया है, ई टेंस टू ई प्लस ई का डेरिवेशन लिया है। नेक्स्ट ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और एक बार में एक ही आपको जो है प्रोडक्शन यूज करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ए प्लस ए एस ई ए प्लस ए एस ए, दैट मीन्स ई टेंस टू ए, और ये आपकी जो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन डिराइव। अगर आप ध्यान से देखें दोनों लेफ्ट साइड से ही डेरिवेशन किए गए, ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई भी डिफाइन हो रहा है कि बोथ यू कैन डिटरमाइन मोर देन वन सॉल्यूशन using left derivation, that type of grammar is known as the ambiguous. That grammar known as ambiguous grammar. Clear? और ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अगर कोई भी ग्रामर ambiguous है तो पहले हम ambiguous में कंसिडर करेंगे और फिर फर्दर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या हुआ कि दोनों पर अगर हम एग्जाम्पल में देखें, इस स्ट्रिंग को डिटरमाइन करना था और इस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, लेफ्ट डेरिवेशन से किया, लेकिन प्रोडक्शन क्या थे आपके, डिफरेंट प्रोडक्शन हमने यूज किए थे और डिफरेंट प्रोडक्शन से भी हमने सॉल्यूशन सेम फाइंड आउट किया, ठीक है, और अगर लेफ्ट डेरिवेशन हो रहे हैं एम्बिगुअस ग्राम। अब अगर हम इसके नोट डाउन कर लीजिएगा, ट्री की बात करें, लेफ्ट एंड डेरिवेशन ट्री, और इसको पाथ ट्री भी कहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम को हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं, दैट मीन इट इज कॉल्ड एज पाथ ट्री या डेरिवेशन ट्री, और पाथ ट्री या डेरिवेशन ट्री हम जनरेट करेंगे, दैट इज इन पिक्चोरियल फॉर्म। अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं प्रोडक्शन का, That is known as the, अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट डेरिवेशन ट्री, राइट करेंगे तो राइट डेरिवेशन ट्री, या लेफ्ट पास ट्री या राइट पास ट्री, क्लियर। तो अगर इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अगर इसके कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा, ई सबसे पहले हमने ई कंसीडर किया था और ई को हमने जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किया गया किया ई प्लस ई कंसीडर किया, और ई को किस में कन्वर्ट किया, ए में प्लस प्लस ही रहेगा, और ई जो था फिर से फर्दर आपका ई एस थ्री ई में कन्वर्ट हुआ, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, हम लेफ्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, दैट इज ई, ई को हमने ए कन्वर्ट किया, फिर फर्दर ई सी को ए में कन्वर्ट किया, ये इसमें ई रहेगा, और E जो है A में कन्वर्ट, तो ध्यान दीजिएगा A प्लस A एस्ट्रिक A, दैट इज द लेफ्ट डेरिवेशन ट्री। अगर हम राइट डेरिवेशन ट्री की बात करें, एम्बिगुअस यूजिंग लेफ्ट डेरिवेशन,
अगर इसके हम लेफ्ट की से ही दूसरे इसका अगर पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये भी किसमें कंसीडर होगा, लेफ्ट में ही कंसीडर होगा। और लेफ्ट टू टाइप से अगर डेरिवेशन ट्री भी कंसीडर कर लें दैट मींस इट ग्रामर इज नोन एज द एम्बिगुअस ग्रामर। तो ई को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ई ध्यान दीजिएगा ई एस्ट्रिक इस प्रकार से डिफरेंट प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। और ई को हमने किसमें कन्वर्ट किया था, ई प्लस ई प्लस ई एस्टिगी हुआ दैट इज ए प्लस ई का सीधा कर लें और इसको भी अभी ई ही रहेगा, छोड़ नहीं सकते कोई दिक्कत नहीं है ए, फिर ये कन्वर्ट नहीं हो जाएगा और फिर इसको हम ए में कन्वर्ट कर लें। हम देखते हैं ए प्लस ए एस्ट्रिक ए, ए प्लस ए एस्ट्रिक ए फॉर्म हो गया, स्ट्रिंग जो है फॉर्म हो ए दोनों जो डायग्राम पर रिप्रेजेंटेड है दैट इज ओनली लेफ्ट डेरिवेशन। क्लियर, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इसको हम कंसीडर करेंगे। अगर हम राइट डेरिवेशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा इसी एग्जांपल में आपको रिप्रेजेंट करते हैं राइट डेरिवेशन। अगर हमने ई कंसीडर किया था ई टेंस टू ई कंसीडर करेंगे, अब राइट साइड से एक्सटेंड करें क्योंकि यहां पर एक ही एलिमेंट है तो ई टेंस टू क्या हो जाएगा ई प्लस ई। अगर हम राइट की बात करें तो यहां आप राइट में आप क्या किया है ई है तो इस ई को हम नोट किसमें करेंगे ई एस्ट्रिक ई में। ई प्लस ई एस्ट्रिक ए अब तो राइट साइड हम डिफाइन कर दें ई प्लस ई जितने भी प्रोडक्शन हैं ये आप साइड में मेंशन जरूर करिएगा ई प्लस ए एस्ट्रिक ए, ए प्लस ए एस्ट्रिक ए E tends to A, clear? और ये आपकी string derived हो गई, that is the right derivation tree. क्योंकि यहाँ पर हमने right से process किया है और ये आपका क्या था left और ये आपका right से है, clear? इसका जब derivation बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा E plus E. अब देखिए ध्यान दीजिए जब कभी ये चीज ध्यान में रखिएगा लेफ्ट डेरिवेशन राइट डेरिवेशन कभी कभी पिक्चुरल फॉर्म में सेम भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं तो उसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है अगर सेम प्रोसेस एक्सक्यूट हो रहा है। ई को पहले हम इसमें कन्वर्ट करेंगे ई एस्ट्रिक ई, क्लियर, इस ई को हम कन्वर्ट करेंगे ई एस्ट्रिक ई। अब ये ई को ए में कन्वर्ट करेंगे फिर फर्दर जब हम राइट से आएंगे तो इसको ए में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको ए में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या देख रहे हैं राइट हैंड साइड से भी जो है ए प्लस ए एस्ट्रिक ए को हम डिराइव करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है ग्रामर को डिफाइन करते हैं एंड अदर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर सपोज दैट कोई पैलिंड्रोम डिजाइन करना है पैलिंड्रोम फॉर बाइनरी नंबर, क्लियर, मीन्स 00 हो सकता है 11 हो सकता है 010 हो सकता है 0110 हो सकता है 101 हो सकता है 110 11 भी हो सकता है इवन पैलिंड्रोम और पैलिंड्रोम
डिफरेंट टाइप का डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें ये चीज ध्यान रखना है, ग्रामर अगर डिफाइन करते हैं तो वी एन सिग्मा पी और एस, ये चारों चीजें आपको डिफाइन करने की पड़ेगी हर एक केस में। तो अगर वी एन की बात करें, एस एक स्टार्ट सिंबल होगा, पी प्रोडक्शन होंगे इनपुट सिंबल, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो कॉमा वन डिफाइन हो जाएगा। एस इक्वल टू डिफाइन हो जाएगा स्टार सिंबल अपोजिट एस से ही स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल सिंबल देखते हैं कितने हो जाते हैं इक्वल टू, अभी ये कंसीडर किया है, जो प्रोडक्शन होंगे पी, ध्यान दीजिएगा पी किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट पी आपका हो सकता है ए जीरो, क्योंकि हम जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं और वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक जीरो प्रोडक्शन हो सकता है और एक वन प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों कंसीडर करने हैं। दैट मीन्स जीरो एस जीरो, वन एस जीरो और एक इम्पटी ले लें, क्लियर। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जीरो जीरो है, तो अगर जीरो जीरो के बीच में एक एस हमने कंसीडर कर दिया, यहाँ पर वन होगा और वन कंसीडर कर दिया, और इसका फिर रिपीटेशन करते हैं एस टेन टू, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से वर्क करेगा, इट मीन अगर एस टेन टू हमने जीरो एस जीरो कंसीडर किया है, ठीक है, और एस की जगह क्या हम कर दें एम्प्टी सिंबल यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा जीरो जीरो, वेयर एस टेंड्स टू एप्सिलॉन, क्लियर। एक ये टर्म डिफाइन हो गया। अगर हम टर्म डिफाइन करते हैं एस टेंड्स टू, यहां पर लिख रहे हैं, अगर एस टेंड्स टू कंसीडर करते हैं वन एस जीरो, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको एम्प्टी कर लें वन वन फॉर्म हो जाएगा एस टेंड्स टू। इस प्रकार से नंबर ऑफ एन अगर इटरेशन प्रोसेस करते जाएं तो डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रिंग डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा वन जीरो एस जीरो, अगर एस की जगह हमने क्या यूज करें वन भी यूज कर सकते हैं, तो जीरो वन जीरो टू वन, ये प्रोडक्शन आपको मेंशन करने पड़ेंगे जब भी आप कोई लैंग्वेज डिफाइन करते। और अगर पीछे करना चाहते हैं फर्दर भी रिक्रेंस प्रोसेस भी हो सकता है, एस टेंस टू जीरो एस जीरो कंसीडर किया, फिर एस टेंस टू जीरो क्या कंसीडर कर लें वन एस वन कंसीडर कर लिया, फिर जीरो वन जीरो एस जीरो कंसीडर कर लिया, ये इतना सेम है, ठीक। और यहाँ पर प्रोडक्शन एस टेंस टू क्या लिखेंगे वन एस वन एस टेंस टू जीरो एस वन, एस टेंस टू अगर इम्पटी का यूज करें तो क्या हो जाएगा आपका जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये पैलिंड्रोम डिसाइड हो गया। इस प्रकार से आप डिफरेंट प्रोसेस जो है डिफरेंट अरिथमेटिक डिफरेंट लैंग्वेजेस कंसीडर कर सकते हैं और पर्टिकुलर लैंग्वेज से आप मशीन डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइनिंग के फॉर्म में यूज हो। सपोज अगर लिखा हुआ है WWR, क्लियर, कोई इस प्रकार से फॉर्म करनी है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम पैलिंड्रोम जो अभी मैंने केस बताया था जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन वन, क्लियर, एज द पैलिंड्रोम की तरह वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है वी एन जो ये चीज लिखी हुई है वी एन सिग्मा पी एस, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, ये नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, पी फॉर प्रोडक्शन और एस फॉर स्टार्ट सिंबल, क्लियर। जितनी भी अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री, अगर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करें, ध्यान दीजिएगा कॉन्टेक्स्ट फ्री फ्री लैंग्वेज या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो इससे जो भी रूल्स और रिलेशन होंगे वो भी आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से ही जो है
कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट होती है। और जितनी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है ध्यान लीजिएगा दैट इज एक्सेप्टेड बाय पीडीए। ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री टर्म हम यूज करते हैं ध्यान दीजिएगा, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री टर्म में जो भी हम प्रोडक्शन मेंशन करते हैं सपोज दैट एस टेंड्स टू ए बी ए क्लियर या ए या बी या एप्सिलॉन सी। हम देखते हैं कि जो इसके लेफ्ट हैंड साइड है तो यहां पर सभी सेट ऑफ क्या होते हैं नॉन टर्मिनल क्लियर, और राइट हैंड साइड में आपके सेट ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों को कंसीडर किया जाता है क्लियर। तो विथ द हेल्प ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल वी कैन सिंप्लीफाई एट राइट हैंड साइड एज ओनली टर्मिनल सिंबल क्लियर, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज कॉन्टेक्स्ट फ्री। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, चौसमुखी नॉर्मल फॉर्म TNF एंड द्विबीज नॉर्मल फॉर्म GNF दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ठीक है। चौसमुखी नॉर्मल चौसमुखी क्लासिफिकेशन ग्रामर का क्लासिफिकेशन जो है कि चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, टाइप जीरो टाइप वन टाइप टू और टाइप थ्री क्लियर। टाइप जीरो में आपने ट्यूरिंग मशीन पढ़ा है, एक जनरल एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। टाइप वन में आप कंसीडर करते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, टाइप टू आपका पीडीए और टाइप जो थ्री है दैट इज द फाइनाइट ऑटोमेटा के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं एंड रेगुलर एक्सेप्शन डीएफए कंस्ट्रक्शन जो है आपके टाइप थ्री में डिफाइन किया जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल एक्सप्रेशन करेंगे, एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, ग्रामर किस प्रकार से आप टीएनएफ को जीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे या जीएनएफ को टीएनएफ में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे ध्यान दीजिएगा। जो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, इस पर चौसमुखी क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर भी रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप जीरो बार छुट्टे टाइप जीरो टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री क्लियर। टाइप जीरो में आप कंसीडर कर सकते हैं ट्यूरिंग मशीन, लोअर बाउंडेड ऑटोमेटा जैसे मैंने बताया था लोअर बाउंडेड ऑटोमेटा के बारे में, टाइप टू पीडीए और टाइप थ्री आपका रेगुलर एक्सेप्शन और फाइनाइट स्टेट मशीन। अब इसमें टीएफजी टीएफएल कंसीडर करते हैं। टाइप वन में अगर ये ध्यान दीजिएगा टाइप जीरो जो होती है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है और रेस्ट सभी जो है रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। ये कॉन्टेंट सेंसिटिव लैंग्वेज TSL को रिप्रेजेंट करती है या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को भी रिप्रेजेंट करती है क्लियर। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज या ग्रामर को बात करते हैं तो दैट इज कमिंग पीडीए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पीडीए को ग्रामर को पीडीए में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे या पीडीए को ग्रामर में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। ग्रामर में फोर टपल्स है और फोर टपल्स को आपको कंसीडर करना है, सेवन टपल्स सेवन टपल्स में और सेवन टपल को कंसीडर करना है फोर टपल्स में। किस प्रोसेस से करेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके लिए इतना ही, अगर कोई एक बार फिर से वीडियो रिमाइंड करिएगा, यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, ईमेल आई डी पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं।